नाज, अभी तुम बहुत छोटी हो, ये बातें तुम्हारी समझ में नहीं आएगी, फिर भी मैं तुम्हें समझा देती हूँ। ये बोर्डिंग है ना, दरअसल बच्चों की जेल होती है और उसमें वही बच्चे रहते हैं जो जाहिल और बदतमीज होते हैं। मुकुल ने अपने घर वालों का जीना हराम कर दिया था, इसलिए उसे इस जेल में डाला गया है। हाँ बड़ी फूफी, आप तो सबके बारे में ऐसे ही बोलती हैं। आप बहुत बुरी हैं। आप मेरे मुकुल भाईजान के बारे में उल्टा बोल रही हैं। हाय हाय, चींटी के भी पर निकल आए। बड़ों के सामने ऐसी बातें नहीं करते नाज, तुम्हारी अम्मी ने यही सिखाया क्या? जैसी वो है वैसी तुझे भी बना रही है। अरे नाज, क्या हुआ, क्यों रो रही हैं आप? बड़ी फूफी बहुत बुरी है, मुकुल भाईजान को बुरा बुरा कह रही थी और मुझे भी डांटा। अल्लाह अल्लाह, ये तो अपनी अम्मी से भी दो कदम आगे निकली। मैं तो बस यही कह रही थी, मुकुल चला गया तो क्या हुआ, सुहेल है ना, किसी घर में रहता है, उसके साथ खेल लिया करो, है ना? अब तो इस घर का अल्लाह ही मालिक है। बड़े आपा, अल्लाह तो सबका ही मालिक है, लेकिन लगता है कि आपके दिल में रहम नाम की चीज है। आपने तो इस फूल सी बच्ची को भी नहीं बख्शा। हाय हाय, ऐसा मैंने क्या कर दिया कि तुम ऐसे अंदाज में मुझसे बात कर रही हो, जैसे कि मैं बच्चों को खाने वाली कोई डायन हो। तुम क्या समझती हो कि नाज सिर्फ नसरीन की बेटी है? जी नहीं, ये मेरे भाई जहीर की बेटी है और मेरे दिल का टुकड़ा है। नाज मुझे उतनी ही अजीज है जितनी मेरे भाई जहीर को। मैं तो बस इसके अच्छे के लिए समझा रही थी, मगर तुम दोनों बहनें तो इसे बिगाड़ने पर तुली हो। ये तो वही बात हुई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। बड़ी आपा, झूठ की इमारत कितनी ही ऊंची क्यों ना हो, खुदा का कहर जब बरसता है तो ऊंची से ऊंची इमारत नेस्त नाबूद हो जाती है। मेरा आपसे एक मशवरा है, इससे पहले कि वो वक्त आए, अपने मिजाज के रुख को जरा बदल डालिए, वरना अच्छे अच्छों के मिजाज ठिकाने लग जाते हैं। चलो नाज़। मिजाज तो जरूर ठिकाने पर लगा दूंगी मैं तुम दोनों का। तुम दोनों बहने इस घर को तबाह करने पर तुली हो। तुम किसी न किसी बहाने से यहाँ चली आती हो और अपनी बहन के जहन में अदावत का जहर घोल देती हो। बस कीजिए बड़ी आपा, बस कीजिए, आपसे तो बात करना ही फिजूल है, मैं ही खामोश हो जाती हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे जाने के बाद आप मेरी आपा पर फिर कोई इल्जाम लगा दें। चलो नाज चले।